हेलो दोस्तों, मैं आपका चैप्टर लेकर आया हूँ आज। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी कॉल्ड नेशनलिज्म। ओके, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी। तो इस पेंटिंग में क्या है, ये पेंटिंग फ्रेडरिक सरुगे के द्वारा बनाई गई है। इस पेंटिंग में अब जो उसकी ड्रीम है फ्रेडरिक सरुगे की, वो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना और सोशल रिपब्लिक्स। तो आपका ये पेंटिंग बनी थी 1848। तो आपका फ्रेडरिक सरुगे था वो फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने कि आपकी फोर सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी। फ्रेडरिक सरुगे मेड फोर सीरीज ऑफ पेंटिंग एंड बाय पेंटिंग ऑल मैन एंड वुमेन टू मार्च इन अ लॉन्ग चेन टू वर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ब्रिंग्स अ टॉर्च अलाइनमेंट एंड द करेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड इसका फोर्थ पॉइंट है, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड क्रॉस द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब उनमें क्रांति हो चुकी थी। फिर तो इसमें तो आपका वैसे आपको बोर्ड में इसमें से मुश्किल से दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ इसको, चैप्टर को। फिर है क्या आपका, इसके बाद मेन पॉइंट बताता हूँ मैं। चलो पहले मैं आपको एक तरीके से इसका एट ए ग्लांस टाइप से बताता हूँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें आपके थ्री पार्ट्स हैं। फ्रेडरिक सरुगे इन 1848 विजुलाइज्ड वर्ल्ड एज अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, और फिर है आपका नेक्स्ट, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म एज अ फोर्स दैट स्वेप्ट चेंजेस इन पॉलिटिक्स एंड मेंटेबिलिटी ऑफ यूरोप। एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट विद सिटीजन हैविंग कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। होगा आपका थर्ड पॉइंट। फिर क्या आपका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनल। तो उसमें क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी सिटीजन, मतलब जो कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए लोगों को मोनार्क सिस्टम से बॉडी ऑफ सिटीजन में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1789 में। और इसमें फिर सेकंड पॉइंट, वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल। एंड थर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डिपोस्टिज्म। फोर्थ इज सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो ये कहते हैं कि मतलब हम आपके देश को आज़ाद कराएंगे, वो जैकोबिन क्लब्स होते हैं। बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस एंड स्टूडेंट्स ऑफ यूरोप, जिस यूरोप के स्टूडेंट थे उनके द्वारा, और मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पर्सन थे उनके द्वारा खुले थे वो जैकोबिन क्लब्स। फिर क्या आपका थर्ड टॉपिक, मेजर इंट्रोड्यूस टू डेवलप कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आइडिया ऑफ लापात्रे एंड ली सिटी ऑन वेयर एम्प्लाइज। तो आपका इसमें लापात्रे क्या है, लापात्रे आपका फादरलैंड, मतलब जो ये आपको दिखा देता हूँ मैं, जो ये भगवान दिख रहे हैं इनके, ये एक तरीके से गॉड को ही लापात्रे बोला गया है, फादरलैंड। ओके, देख लीजिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, और ली सिटीजन द सिटीजन के लिए बोला गया, ये देखिए लापात्रे द फादरलैंड एंड ली सिटीजन सिटीजन्स के लिए बोला गया आपके। फिर है इसका नेक्स्ट पॉइंट, न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड एंड ओथ वेयर टेकन। एंड थर्ड पॉइंट इज एडॉप्टेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजन एंजॉइंग इक्वल राइट्स। ओके, फिर आपका फोर्थ पॉइंट, मराठास रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ नेशन, ये आपका देखा। और इसमें जो आपका जो स्टेट जनरल था ना, उसका रीनेम कर दिया गया था नेशनल असेंबली के नाम से। तो अडॉप्टेड अ ट्राइकलर एज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड्स। और फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एंड सेवंथ, अडॉप्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट जनरल रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डिस्करेजिंग ऑफ रीजनल डायलेक्ट। एंड नेक्स्ट इज एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। फिर आता है आपका इसमें क्या,
नेपोलियन कोच, ये आपके स्कूल में आपको पढ़ाया कि देखो आपका ये जो को भी निकल जो मैंने बताया था आपको पीछे। ओके फिर क्या आपका इसके में चलते हैं हम आगे। सिविल कोड भी बोला गया आपके नेपोलियन कोड को, जो कि आपका 1804 में बना गया। तो आपको ये पूरा बॉडी मीन बाय सिविल कोड ये पूछा सकता है आपके बोर्ड में, बॉडी मीन बाय नेपोलियन कोड। ये आपका एक तरीके सोल है चैप्टर का, इट इज़ द सोल ऑफ चैप्टर, आत्माएं चैप्टर की, समझ गए। ओके दोस्तों फिर है इसका पहला पॉइंट भैया सुन लो, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हेबोलाइज्ड एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिशमेंट, लोगों से पहले ही आपको इक्वलिटी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबलाइज ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वेयर सिंप्लीफाइड एंड फोर्थ इज फ्यूडल सिस्टम एबोलाइज्ड। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है आपका, मतलब एक तरीके जमीन का टैक्स देना। एंड फिफ्थ पॉइंट इज पीजेंट फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इन टाउन्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी। ओके ये आपका सब नेपोलियन कोड में ही है, जो आपके नेपोलियन राजा आए थे उसमें। ये देखिए आप, और ये जो है आपका हार्बिंगर है, आपका हार्बिंगर में देखिए सिपाही जवान होता है, इस तरीके से मान लीजिएगा। तो आपका है फिर नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें आपकी पहले आई थी एक मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कैसे बनी थी आपकी, जो मतलब आपके जो स्टैंडर्ड लेवल के लोग थे वो नीचे आ गए थे, और जो मतलब उनसे नीचे थे तो वो कोई भी नीचा नहीं मानता था, तो वो मिडिल क्लास ही बन गई। एक तो जो ऊपर वाले नीचे आ गए थे वो तो आगे नीचे, नीचे के तो हैं नीचे आपके लोअर क्लास में, तो वो लोअर क्लास में नहीं मिडिल क्लास में आ गए, और रिच तो हैं रिच। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसका लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स थ्रू द स्मॉल बट पावरफुल। एंड थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी दैट लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस पॉपुलराइज्ड एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। ये हो गया आपको सारा पॉइंट। फिर आपका लिबरल नेशनलिज्म, ये आपके वैसे सारे टॉपिक्स आपके बुक में दिए गए हैं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो मैंने आपको बता चुका हूँ, एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास, ये आपको इसी ये सारी चीज़ें इसमें। फिर ये रहता है एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। फिर अब बता रहा हूँ मैं आपको लिबरल नेशनलिज्म, तो इनमें आपका पहला इन पॉलिटिकल स्पीयर, पॉलिटिकल स्पीयर में कैसे गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एडोप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, आपको एग्जाम में ये लिख कर अगर आता है तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इन पॉलिटिकल स्पीयर और या फिर पूछा जाएगा इन इकोनॉमिक स्पीयर, तो इकोनॉमिक का ही बताऊँगा, पहले पॉलिटिकल सुन लो। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट एवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब आपका इन इकोनॉमिक स्पीयर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो कि आपका ट्रेड बैरियर है एक तरीके से। ओके और सर फ्रेज का मतलब है आपका राइट टू वोट, ये देख लीजिए लिखा भी हुआ है। रहता है न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। और देखिए आपके इसमें जो ये लिखा हुआ है एली, तो ये आपकी एक तरीके से यूनिट है मेजर करने की, जैसे आपका मीटर सेंटीमीटर ये यूनिट है मेजर करने की आपकी। तो न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 18, कंजर्वेटिव क्या होता है, ए बी फॉर प्रीवियस ऑल्टरेशन, जो मतलब जो मोनार्की सिस्टम को दोबारा से चलाना चाहते थे जो पुराने ख्यालात के लोग हों, मतलब चर्च सोशलिस्ट प्रॉपर्टी एंड फैमिली इस तरीके में। और फिर आपका न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप अंडर कंजर्वेटिव, मतलब कि अब जो पुराने ख्याल वाले लोग थे उनके अंदर न्यू सेटलमेंट कैसे था। तो आफ्टर डिपीटिंग नेपोलियन, जब नेपोलियन मर गया उसके बाद ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में, ट्रीटी ऑफ वियना करी 1815 में, इन सभी जो आपकी स्टेट से उन्होंने मिलकर। और इनका मेन मोटिव वाज अंडर द चेंज इन यूनाइटेड नेपोलियन एंड रिस्टोर मोनार्की,
मतलब जो नेपोलियन ने लॉ चलाए थे उनको सबको खत्म करना और अपने लॉ चालू करना दोबारा थे मोनार्की वाले, इन सब का मोटिव ये था। तो अब मैं बताता हूँ ट्रीटी ऑफ वियना, प्रोविजन इन ट्रीटी ऑफ वियना 1815। दोस्तों तो इसमें क्या आया आपका, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ बुर्बोन डेनिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुर्बोन डेनिसिटी, और जो आपका कंजर्वेटिव था ये था ड्यूक मैंड्रिज। ये देखिए आप पेज नंबर आपका 10 पर लिखा हुआ है, अभी दिखाते हैं हम इसको। इसमें तो आपका बुक में देखिए आप अपनी पेज नंबर 10 पे आपकी बुक में, क्योंकि इसमें तो, या चलो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, बट इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपके बुक में अलग पेज नंबर है, इसमें अलग पेज नंबर है, दैट इज रीजन। हाँ देखिए ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैंड्रिज देख लीजिए, येरा दिख गया होगा आपको येरा। ओके दोस्तों ठीक है, अब क्या है आपका ट्रेड ऑफ बैन चल रहा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्मोन डेनिसिटी एंड क्या है फिर आपका टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक एंड प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर एक्सपोर्ट प्रूसिया एंड गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सोनी, सैक्सोनी जो आपकी जगह है वो एक ऑस्ट्रेलिया टू कंट्रोल नॉर्थन इटली, नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स नेक्स्ट पॉइंट इज रशिया टू गेट पोलैंड। ये आपका ट्रीटी ऑफ वियना में है, जो आप एक मीटिंग जो हुई थी आपकी, देखिए आपकी बैठक ये रही देखिए रे भैया। अब आता है आपका फ्रेंच रेवलरीज, मतलब फ्रेंच रेवलरीज में क्या है आपका, इसमें है द रेवलरीज, जो फ्रेंच रेवलरीज की आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि मतलब फ्रेंच रेवलरीज कौन कौन सी हैं आपकी, तो आप इसमें क्या बताएंगे, इसमें ये है व्हाट आर द फ्रेंच रेवलरीज, तो आपको मैं बता देता हूँ वो पॉइंट ही लिखने हैं आपको। तो ये तो आपका यहाँ पर सिर्फ रेवलरीज है, अभी आपको आगे आएगा जो फ्रेंच रेवलरीज है उसमें मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट आर द फ्रेंच रेवलरीज, ये वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका इसमें पहले रेवलरीज में जिसमें ये आपका मजानी आया था आपका, जिसमें मजानी ये कौन था जो अपोज कर रहा था मोनार्की सिस्टम का, ये सबसे बड़ा जो वो थे ना आपके ड्यूक मैंड्रिज, वो इसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे मोनार्की, इसको मैजानी को। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट स्टेबलाइज टू सैक्रेस सोसाइटी टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज कन्वर्सिज्म, कन्वर्सिज में आपको बता चुका हूँ वो है। सेकेंड पॉइंट इज मजानी अपोज्ड मोनार्की, थर्ड इज मजानी व्यूड नेशनल टू बी नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी, फोर्थ इज इंस्पायर्ड अदर सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी फ्रॉम जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, और फिफ्थ इज आपका पॉइंट जिप्सी मजानी ज्वाइंड वन सच सोसाइटी ऑफ कैलिबोनी, सिक्स्थ इज लेटर फाउंड यंग इटली इन मार्सिल्स एंड नेक्स्ट आप बियर एंड यंग यूरोपियन बियर नी, ये आपको पूछा भी जाता रहे आप कहीं अगर आप पढ़ने जाओगे डेमो देने के लिए तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा ये। फिर आपका ये हो गया लास्ट, इसके मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए थे रिबिलियन रीज के, जिसमें कि मजानी आया था और मजानी सैक्रेड सोसाइटी बनाई थी, ये जो दो बहना नाम बता दिए, लेटर फाउंड यंग इटली इन मार्सिल्स एंड यंग यूरोपियन बियर। ओके नेक्स्ट टॉपिक आपका एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 to 1848, इसमें कौन कौन से रिवोल्यूशन हुए आपके, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, सेकंड हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, थर्ड 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल क्रिएटेड आइडिया, रोमांटिज्म वाला आपका क्वेश्चन भी आ सकता है रोमांटिज्म का, तो ये वो ये उसी का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट कल्चर क्रिएटेड आइडिया ऑफ अ नेशन, एंड सेकंड आर्ट पोएट्री स्टोरीज म्यूजिक शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, थर्ड रोमांटिक
artist, courteous, reason and science. Fourth, emotion, institution and mystic feelings were encouraged. Fifth, popularized true spirit of nation. Sixth, collected local folklore. Folklore मतलब जो आपके एक तरीके से folklore मतलब local लोग जो हो गया आपके to spread nationalism even among illiterates. Illiterate मतलब local folklore मतलब local लोग आपके use language to destroy foreign dominance. और जिसमें आपका एक नेम आया आपका दास बॉल्क जो कि कॉमन पीपल थे जर्मन कल्चर के दास बॉल्क. ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए ये रेवनरीज हैं जो जिप्सी में जाने वाली ये लिख रहा ये रहा एज ऑफ रेवनरीज. तो इसमें है आपके दास बॉल्क रोमांटिज्म ये लिख रहा जर्मन कल्चर वॉस्ट बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल. वैसे आपको इसमें ज़्यादा भी गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके इसमें तो ओनली 2-3 क्वेश्चन बनेंगे. हंगर एंड हार्डशिप एंड रिवॉल्व ये आपको सेकंड पॉइंट है एज ऑफ रिवॉल्वरीज का. ये राजी देखिए तो इसमें क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट इनोरमस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. सेकंड रिड्यूस जॉब्स. थर्ड लार्ज स्केल रूलर migration to cities. And fourth point is overcrowded cities. Fifth, steep competition between handmade good. मतलब competition हो गया जो handmade good थे और cheap machine made वाले जो थे उनके बीच में competition हो गया इसमें. Peasant burn with feudal dues. और next point rise of food prices and next food shortage. और फिर आपका peasant and weavers revolts next आपका. फिर क्या है जी उसके बाद आपका है नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जी जी अब फिर है 1814 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. इसमें है आपका फर्स्ट पॉइंट फ्रेंच मोनार्की अपरूटेड बाय रिवोल्ट ऑफ लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन. सेकंड इज इन जर्मनी प्रोविजंस बिजनेसमैन आरटीएन डिसाइड्स टू वोट फॉर ऑल जर्मनी नेशनल असेंबली. थर्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन चर्च ऑफ स्टेपल जो स्टेपल है वो चर्च का नाम है. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड. नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी टू बी गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नेक्स्ट पॉइंट एंड वेन ऑफर्ड क्राउन फाइलिस्ट विलियम फोर्थ. विलियम फोर्थ किंग जो था किंग ऑफ प्रूस भी रिजेक्टेड. ये नेक्स्ट पॉइंट है. और आपका नेक्स्ट पॉइंट है जी सोशल बेस्ड पार्लियामेंट शिफ्टेड टू मिडिल क्लास डोमिनेंस. नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय वुमेन फॉर पॉलिटिकल राइट्स. नेक्स्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस सस्पेंड लिबरल्स. नेक्स्ट फियरिंग फ्यूचर रिवॉल्यूशंस मोनार्क्स ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस. नेक्स्ट सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर एबलाइज्ड. फिर आता है आपका द मेकिंग ऑफ जर्मनी या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इट इज द सेम. तो ये आपके ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपका कि ब्रिटेन का पूछा सकता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. और ये भी आ सकता है डे स्ट्रेंज केसेस ऑफ केस ऑफ ब्रिटेन. ये पूछा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑफ यूजलाइजिंग नेशन. इनमें से पूछा जाएगा आपका अगर क्वेश्चन आया या फ्रेंच रेगुलरीज. तो फ्रेंच रेगुलरीज कौन कौन सी है ये मैं आपको जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द फ्रेंच रूल्स. एबोलाइज्ड ऑल द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज. न्यू फ्रेंच फ्लैग ऑफ ट्राइकलर. प्रमोशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. यूनिफॉर्म लॉज एडॉप्टेड. ए वेट एंड मेजर सिस्टम. ये आपका उसी में ही है फ्रेंच रेगुलरीज में. ओके स्टूडेंट्स फिर क्या है आपका और एक क्वेश्चन आया था मतलब नेपोलियन की आइडियोलॉजी क्या थी वुमेन्स के लिए. तो नेपोलियन की आइडियोलॉजी की थी कि थ्रू द वुमेन वॉज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड. कि वुमेन जो फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी है बस. तो अब आ जाता है आपका इसके बाद फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट क्या होता है आपका नारीवादी. ये आपने उसमें पढ़ा होगा आपका जेंडर रिलीजन कास्ट में चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस. तो पहले आते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली. तो जर्मनी का मैं बताता हूँ पॉइंट वाइज आप सुनिए गौर से बहुत आराम से बताऊँगा शांति में. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका
Conservatives mobilized national sentiment to promote state power and seek political dominance over Europe. Our second point is, come middle class tried to unite Germany but were surprised by monarchy and military with the support of landowning class. Third है आपका इसका point. Prussia emerged to unite Germany. And fourth, Ottoman Bismarck. इसमें सब ज़्यादा Ottoman Bismarck का role ही ध्यान रखना. Ottoman Bismarck became the architect of the process. और next point, fifth, 3 wars, 4-7 years with Austria, Denmark and France completed German unification. Next point, Prussia, King William first become the empire to unite Germany. Next point, currency, banking, legal and judicial system was legalized. ये आपका पूरा जर्मनी में, आप ध्यान रखना इसको, लिख लेना अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज कर करके. फिर है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो इसका ही फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, आराम से सुनिएगा. इटली फ्रेगमेंटेड बिटवीन 7 स्टेट. फ्रेगमेंट मतलब तोड़ना, अलग 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 हो जाना. तो इटली फ्रेगमेंटेड बिटवीन 7 स्टेट में बट गई. नेक्स्ट पॉइंट, सर्डिनिया पिगमेंट रोल्ड बाई इटेलियन किंग. और थर्ड है, नॉर्थ इटली अंडर ऑस्ट्रियन हसबर्न वॉज रूल्ड बाई पोप. नेक्स्ट पॉइंट, साउथ इटली वॉज अंडर बर्न वन ऑफ किंग्स ऑफ स्पेन. ऐसा पूछ जा सकता है कि मतलब साउथ इटली जो किसके अंडर थी, तो बर्न वन किंग्स ऑफ स्पेन. इस तरीके से क्वेश्चन MCQ बन सकता है आपका. नेक्स्ट, इटालियन लैंग्वेज टू हैड मैनी डायलैक्ट्स. नेक्स्ट, एफर्ट्स ऑफ मजानी इन 1831 फेल्ड. मजानी के नाम से आपको ध्यान आना चाहिए कि अपोज कर रहा था मोनार्क सिस्टम को भैया मजानी. नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन वेल ऑन किंग विक्टर इमेनल सेकेंड को सौंपी गई थी रेस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफिकेशन की. और जो इसके चीफ मिनिस्टर थे, केबर थ्रो डिप्लोमेसी अलाइड फ्रेंड्स टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन 1859. नेक्स्ट पॉइंट, गिप्सी गारवादी जो मजानी का एक दोस्त था ये मान लीजिए, ए रिविलिटी टू जॉइन द अलायंस एंड ड्रॉप अवे स्पेनिश रूलर, थस इटली वॉज यूनिफाइड. अब आता है नेक्स्ट, क्या है आपका, ये देखिए जी, नेक्स्ट है आपका विजुलाइजिंग द नेशनल से पहले है, जो कि आपका है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. आई थिंक इसमें मुझे मिलना नहीं है, पर है आपका इसी में, ये रहा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, या फिर इसको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बोल देते हैं. तो इसमें क्या, फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा आप गौर से, ध्यान से, और इनको लिखते रहिएगा वीडियो को पॉज करके बीच बीच में. फर्स्ट पॉइंट, नो ब्रिटिश नेशन एक्साइटेड बिफोर 18th century. सेकेंड पॉइंट, इथनिक ग्रुप्स लाइक इंग्लिश वेल्स, मतलब जो लैंग्वेज ग्रुप होते हैं आपके ये हो गए इथनिक ग्रुप, स्कॉट्स इनहेबिटेड ब्रिटिश लैंड्स हैविंग देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल बेसिस. नेक्स्ट पॉइंट आपका, ग्रोथ इंग्लिश नेशन इन वेल्थ एंड पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट राइट मोनार्की इन 1688. फोर्थ पॉइंट आपका, एक्ट ऑफ यूनियन, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ, तो 1707 में हुआ था आपका एक्ट ऑफ यूनियन, ये देखिएगा. फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टमेटिक सरप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर लैंग्वेज बाय इंग्लिश बिगेन एंड मैनी वेयर ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड. फिर नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट्स अगेंस्ट कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड. नेक्स्ट पॉइंट, लेटर कैथोलिक रिवोल्ट टू वॉज सरप्राइज्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन 1801 आयरलैंड वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्मली इनटू यूनाइटेड किंगडम. ये होगा आपका पूरा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में. अब आता आपका विजुअलाइजिंग द नेशन, इसमें क्या भैया, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा, नेशंस बिगिन टू बी प्रोट्रेड एज फीमेल फिगर्स कॉल्ड एलगोरी. जिनको एलगोरी, जैसे आपकी भारत माता है और जर्मनियाँ भी देखी होंगी आपने, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ जर्मनियाँ, और जब भारत माता मतलब फीमेल फिगर. एंड सेकेंड पॉइंट, आइडियाज लाइक लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक
personified as a female figure में बताया गया है इसे, जैसे जर्मनी आपकी ये देखिए 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 फिर थर्ड पॉइंट एलोरीज वेयर इरेक्टेड एट स्क्वायर्स टू मार्क नेशन यूनिटी स्क्वायर्स आपने सुना होगा एम सी स्क्वायर का नेम लीला राम राम है ना फिर आपका थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट है कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू कैरी देयर इमेजेस एंड फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट इज मैराइन रिप्रेजेंटेड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस नेक्स्ट पॉइंट इज जर्मनिया प्रोटेड जर्मन नेशन एम सी स्क्वायर के नाम से तो खुश हो गए होंगे आप फिर आपका बालकन्स रीजन तो बालकन्स में क्या प्रेजेंट है रोमानिया बुल्गारिया जो आपकी कंट्री वाइज बताई गई हैं रोमानिया बुल्गारिया एंड अल्बानिया ग्रीक मैक्रोनिया क्रोटिया बॉस हेजोविया सोलाइवा सराइवा मोंटेनेग्रो ये आपकी जो प्रेजेंट है बालकन रीजन वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म बालकन इशूज इसे देखिए जी नेशनल एंड इम्पीरियलिज्म को इसमें क्या बालकन बिकम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में इस टॉपिक से भी और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका इट वॉज टू अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट इट वॉज इनहेबिटेड बाय स्लेव्स एंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन जो ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी नेक्स्ट पॉइंट आपका आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्वेप्ट ओवर एंटायर बाल्कन रीजन फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका वन बाय वन डिफरेंट नेशनलिस्ट डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस थ्रू स्ट्रगल्स इनको लिख लीजिएगा पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट इट लेटर बिकम वन ऑफ द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार नेक्स्ट इट लेटर बिकम एन एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट एमोंग इट्स नेशनलिस्ट नेक्स्ट पॉइंट Each state developed jewelry and hoped to expand at the cost of the others. Next point, European power further complicated the situation. Next point, the pair struggling to prove their trade and military might other over others. Next point, countries like Russia, Germany, England, Australia, Hungary extended their control over Balkan area. फिर अब आपको बताता हूँ आपका चैप्टर तो हो गया जी कंप्लीट अब मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के तो आपने कर लिए होंगे उनसे अलग तो आपका कौन कौन से हैं इनसे अलग क्वेश्चन जो हैं आपके जो बोर्ड में एक ये सीबीएसई 2018 में आया आपका और फोरन में पूछा गया आपका 2013 में जो डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशन दैट प्रीवेल्ड इन बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप ये मैंने आपके और ये ऐसे पूछा सकता है How did the Balkan issue become the reason for First World War? और ये ऐसे पूछा सकता है Why did nationalist tension emerge in the Balkans? How did Balkans become the more serious source of nationalist tension in Europe after 1871? ऐसे पूछा सकता है आपका तो फिर इसका आंसर क्या है इसका आंसर है जैसे आपको बता देना The Balkan region during 1870 वन कम्प्रोमाइज मॉडर्न डे स्टेट लाइक रोमानिया बुल्गारिया रेवानी ग्रीस जो आपको नाम दिए थे उसमें वो इनहेबिटेंट्स वेयर नोन एज स्लेव्स ए पॉइंट पॉइंट में लिखना आपको सारी चीज इसमें फर्स्ट पॉइंट द दिस रीजन एंड एथनिक एंड जियोग्राफिक डाइवर्सिटीज एंड वॉज अंडर ओटोमन एम्पायर के अंडर थी और द ओटोमन एम्पायर कुड नॉट सेकेंड पॉइंट है द ओटोमन एम्पायर कुड नॉट डू मच टू इंटीग्रेट दिस रीजन थर्ड पॉइंट द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम टू बी इंडिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी फोर्थ पॉइंट बिकॉज द डेवलपमेंट बैरियर्स ऑफ स्लेविक नेशनलिस्ट एंड ऑल्सो स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिफाई एंड इंडिपेंडेंस विच मेड बाय बाल्कन रीजन ऑफ सर्वस कॉन्फ्लिक्स ओके और एग्जाम्पल में आप जब यूरोपियन पावर्स लाइक रसिया जर्मनी इंग्लैंड इस तरीके से लिख देना और आपको मैं बता दूँ कुछ मल्टीपल चॉइस जैसे फर्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली किसने बनाई थी आपको मैंने बताया जिप्सी मजानी ने सेक्रेट सोसाइटी जो थी यंग इटली जिप्सी मजानी
फिर आपका नेक्स्ट इलील द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर क्लोथ, जो कपड़े के लिए करी जाती थी वो है। और नेक्स्ट आपका जोबिलियम स्टार्टेड इन 1834 इन प्रशिया रिफर्स टू व्हाट, कस्टम यूनियन के लिए आपका जोबिलियम चलाया गया था। और हु वेयर द जंकर, जंकर कौन है आपके लार्ज लैंड रोवर्स के लिए बोला गया जंकर्स, आपको पीछे लिख भी रहा है एनसीईआरटी में देख लीजिए, आपका पहले लिख रहा है आपका जंकर्स ब्रैकेट में लिख रहा है लार्ज लैंड रोवर। फिर नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिविटी डिफेंडेड नेपोलियन, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया प्रुशिया रशिया ब्रिटेन, ये है इसका आंसर करेक्ट। और आपसे पूछा जाता द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज नोन एज द नेपोलियनिक कोड, ही बोलते हैं इसको। ऑस्ट्रियन चांसलर डैश होस्टेड द कांग्रेस ऑफ बेनाइना, ये ट्रीटी ऑफ बेनाइना वो एक ही बात है आपकी, तो उसमें ड्यूक मैड्रिड कांग्रेस ऑफ बेनाइना के नाम से पूछा सकता है। तो और आपका इसमें से मैं पाना नहीं है, बस ये आना है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। अब आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।